नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बनाएंगे चटपटे मसालेदार भरवा करेले की सब्जी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर में कोई भी बना सकता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अक्सर घर में सभी को बहुत पसंद आता है, बड़े हो या बच्चे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने। यहाँ पे देखिए, भरवा करेला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम करेला लिया है। पीस में देखेंगे तो ये 6 पीस है। अब हमें इन करेलों को ना अच्छे से छील लेना है, जो इसका ऊपर का जितना भी छिलका है हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, छील के आपको सारा इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको छील लेना है। पहले आप सारे करेले को छील के साइड पे रख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको सारे करेले को छील लेना है। तो देखिए छिलका मैंने अलग कर दिया और करेला अच्छे से छील के रख लिया है। अब हम इसे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, जिसका एक्स्ट्रा डंठल है उसे हम निकाल देंगे और दोनों साइड से इस तरीके से सारे करेले को कट करके रख लेंगे। तो आइए हम इसे धो लेते हैं। देखिए इसे अच्छे से धो लेना है आपका। ये देखिए इस तरीके से आप धोएंगे ना तो करेले के अंदर जितना भी कड़वा होगा ना वो सब निकल जाएगा और ये देखिए करेले भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो चलिए धुल गया, अब हम इसे एक सूखा कपड़ा से साफ कर लेते हैं। देखिए भरा हुआ कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना तो उसे आप एक बार सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, यानी सूख जाए। अब हम इसे एक चीरा लगाएंगे बीच से। देखिए इस तरीके से मैंने चीरा लगाया है और ये अब इस तरीके से। अब हमें इसे क्या करना है, जितना भी इसके अंदर का जो बीज है उसे हमें निकाल लेना है, एक चम्मच के हेल्प से या फिर आप चाकू से या हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे करेले को आप निकाल लीजिए अंदर से कट करके। ये देखिए, और इसको आपको फेंकना नहीं है, इसमें हम फिलिंग में हम इसे यूज़ करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने भर के धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो चलिए अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। ये देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें ऑयल। ऑयल डालने से ना इसकी मसाले की फिलिंग बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या हाथ से या चम्मच से आप इसे मिक्स कर लेते हैं। मैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मसाला मैंने मिक्स कर ले करके रख लिया है। अब हमें ऐसे करेला में ना भरना स्टार्ट कर देते हैं, यानी करेले के अंदर फील करना है हमें। तो देखिए थोड़ा सा मसाला आपको इस तरीके से लेना है और करेले के अंदर डाल देना है, और करेले को ना अच्छे से दबा दीजिए ताकि इसका मसाला बाहर की ओर ना आए। और हम अब इसे एक एक करके सारे भर के रख लेते हैं। तो देखिए मैंने करेला यहाँ पे भर के रख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, धागा बांधेंगे। धागा बांधने से क्या होगा ना कि मसाला जो आपने करेले के अंदर डाला है ना वो बाहर नहीं निकलेगा और करेला भी काफी अच्छे से पक जाएगा और फ्राई हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको धागा बांधना है। मैं आपको एक पे बांध के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको सारे करेले पे बांधना है और आप इसमें एक गांठ लगा लीजिए ताकि आपका जो करेले भी अच्छे से पक जाए और आप मसाला भी इसका बाहर ना निकले और काफ़ी टेस्टी बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए सारा मैंने रख लिया। अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सरसों तेल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे सरसों को तेल के। देखिए करेले में ना तेल ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेला बन के तैयार होगा। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने एक एक करके करेले डाल दिए हैं और करेले को मैंने ढक के रख दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब इसको उलट पलट के आपको इस तरीके से सेकना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना इसी तरीके से आपको सेकना है करेले को, जिससे क्या होगा करेला अंदर तक पक जाएगा। और आपको गैस का फ्लेम ना आपको स्लो रखना है, आप हाई फ्लेम पे ना पकाएं, स्लो फ्लेम पे ही पकाएं। तो इस तरीके से करेला पक भी जाएगा और इसका मसाला अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और ये करेला बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाएगा और खाने में भी कड़वा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 बारी आपको इसे ढक ढक के पकाना है 2-2 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको 2 मिनट के बाद ओपन करें, ओपन करके आप इसको उलट पलट दें, उसके बाद आपको वापस इस तरीके से ढक देना है। आपको इसी तरीके से 2 से 3 बारी आपको करना है, उसके बाद करेले आपके बन के तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से करेले बनाएंगे तो करेला बनाना बहुत ही आसान है, भरवा करेला, और बहुत ही टेस्टी लगता है इसे खाने में। आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं या फिर पूरी के साथ खा सकते हैं या फिर आप पराठा या रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आप इस तरीके से देखिए, अब करेला बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसे ढक ढक के अच्छे से पका दिया है, ये अच्छे से पक भी गया था और फ्राई भी हो गया। हमने इसे गैस को बंद कर दिया है और हम इसे इसका जो ऊपर का धागा है वो हम इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना इसी तरीके से आपको निकालना है, या तो आप कढ़ाई में से निकाल दीजिए या तो आप इसे प्लेट में डालने के बाद आप इस धागे को निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट में एक एक करके आपको डाल के दिखाती हूँ, और कलर आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत ही टेस्टी बना है करेला। और इसको इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपको मेरी इस रेसिपी अच्छी लगती है ना तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आप इस तरीके से बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैंने एक एक करके मैं धागा निकाल देती हूँ और निकालने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है धागा निकालने में, आप इसे ठंडा करके भी निकाल सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से कुछ बनके टेस्टी सा तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसका मसाला अंदर तक अच्छे से पक चुका है और करेला भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और करेला भी अच्छे से पक चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड।